Hello, darlings. It's showtime. Well, first, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friends, I'm Amar Ansari. आप सभी लोगों का पैन इंडिया सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म आदि पुरुष के डे नंबर वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नंबर फोर में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइज, ट्यूजडे फुल डे बाकी है. आज यू विल सी सम क्रेजी एडवांस बुकिंग. उसके बाद वेडनेसडे फुल डे है एंड थर्सडे फुल डे है. बी प्रिपेयर्ड फॉर अ अर्थ शैटरिंग एडवांस बुकिंग फॉर सुपरस्टार प्रभास आदि पुरुष. तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हर एक वर्जन में अर्ली मॉर्निंग ट्यूजडे कितने तक की एडवांस बुकिंग जो हुई है. चलिए गाइस, आज का एपिसोड शुरू करते हैं. तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिंदी 3D की. देखिए गाइस, ये सारी एडवांस बुकिंग्स जो है विदाउट ब्लॉक सीट्स है, ऑर्गेनिक टिकट बुकिंग्स जो है वो हुई है. उसके नंबर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी 3D में 2.75 करोड़ रुपीस की एडवांस बुकिंग हुई है. यस फ्रेंड्स, 2.75 करोड़ की एडवांस बुकिंग यूजुअली बड़ी सी बड़ी फिल्मों ने लास्ट ईयर अपने ओपनिंग डे तक की थी. इसने 3 डेज पहले ही 2.75 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है, वो भी सिर्फ 3D वर्जन में. एंड इट हैज सोल्ड 80,300 टिकट्स. 80,300 टिकटें बेचना एडवांस बुकिंग में ये आसान बात नहीं है. एंड गाइज, ये डेटा जो है वो सारे सिनेमा घरों का है. 270 रुपए का एवरेज टिकट प्राइस है. हिंदी 2D की बात करें तो केवल 18 लाख रुपए की 18 लाख रुपीज की एडवांस बुकिंग हुई है. 8,250 टिकट्स हैव बीन सोल्ड. 187 रुपीज का ATP है. देखिए गाइस, इंटीरियर जैसे कि BNC सेंटर्स जहां पर 3D नहीं होगा, वहां पर ओवर द काउंटर टिकट्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को, वो टिकटें जो है वो बिकेगी विद द वॉक इन ऑडियंसेस. तेलुगु 3D नीड्स टू पिकअप. इनको फौरन फटाफट जो शोज है तेलंगाना में वो शुरू करने ही पड़ेंगे. लेट्स सी गाइस वो कब होता है, लेकिन जैसे शुरू होगा ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, फटाफट टिकटें जो है वो बिक जाएगी. तेलुगु 3D में 64 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है. 20,500 टिकट्स हैव बीन सोल्ड एंड 275 रुपीज का जो है ATP है. लेकिन द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो है नम्मा बेंगलुरु. बैंगलोर में तेलुगु 3D सुपर्ब. 232 शोज बैंगलोर में ही अलॉट किए गए हैं एंड वहां पर ऑलमोस्ट 35% की एडवांस बुकिंग हो चुकी है. यानी कि 35% की ऑक्यूपेंसी लेकर ये फिल्म जो है वो चल रही है, विच इज रियली ब्रिलियंट. बेंगलुरु में 23 हिंदी 3D शोज है, 30% ऑक्यूपेंसी. 7 2D शोज में 18 2D शोज में 7% की ऑक्यूपेंसी है. यानी कि बेंगलुरु इज डूइंग सुपर्ब फॉर आदि पुरुष. जस्ट इमेजिन जब हैदराबाद ओपन होगा पूर्ण तरीके से तो क्या होगा. मलयालम 3D 13,300 रुपीज की एडवांस बुकिंग हुई है. तमिल 25,000 की एडवांस बुकिंग हुई है. इसी के साथ अर्ली मॉर्निंग ट्यूजडे एडवांस बुकिंग जो है आदि पुरुष की ऑर्गेनिकली विदाउट ब्लॉक सीट्स 3.60 करोड़ तक हो चुकी है, विच इज ह्यूज. क्योंकि हमने बात की थी संडे रात को भी, लेट एकदम एपिसोड बनाया था मैंने, तभी 1.60 करोड़ था एक ही दिन में. इसको आप मंडे की एडवांस बुकिंग समझ के चलो, क्योंकि ट्यूसडे अभी शुरू भी नहीं हुआ है. ये ऑलमोस्ट मंडे रात तक का डेटा जो है मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूँ. ऑलमोस्ट 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग देना विदाउट ब्लॉक सीट्स इज अ गुड जम्प. एंड गाइस, टिकट सोल्ड इज 1,10,000. 1,10,000 टिकटें जो है बिक चुकी है. सिटी वाइज डेटा की बात करते हैं, मुंबई में 3D शोज 388 14%, 2D शोज 42 7%, दिल्ली NCR 356 शोज 21% अभी से है. दिस इज गोना टेक अ ब्लाइंड अप. आदि पुरुष बहुत खतरनाक ओपनिंग लेने वाला है एंड 102 2D शोज में 10% की ऑक्यूपेंसी है. पुणे 170 शोज में अभी से 23% की ऑक्यूपेंसी है एंड 2D में 17 शोज में 7%. आई थिंक वेडनेसडे तक फुल फ्लेज्ड एडवांस बुकिंग जो है आदि पुरुष की वो शुरू होगी. अब गाइस, थोड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो एग्जैक्टली कल हुआ आदि पुरुष के साथ. UK में इसकी एडवांस बुकिंग खुल गई है, लेकिन गाइस ओनली 2D शोज हैव बीन अलॉटेड इन UK. अभी क्यों ये हो रहा है, क्यों इन लोग यहाँ पर 3D एंड IMAX शोज नहीं दे रहे हैं. IMAX में ये फिल्म को रिलीज करना बहुत जरूरी था. पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो चुकी है, इंडिया में भी अब तक IMAX शोज नहीं खुले हैं इसके. सुनने में आ रहा है कि फ्लैश इसके सारे IMAX शोज जो लेके जाएगा. मैंने एपिसोड
उस दिन जिस दिन इसका रिलीज डेट अनाउंस हुआ था ना 16 जून का, तभी बता दिया था कि इसे ओवरसीज आईमैक्स में और 3D शोज लेने में बहुत तकलीफ होगी, ऑल थैंक्स टू द हॉलीवुड फिल्म्स, एंड वही होते हुए दिखाई दे रहा है। अब गाइस बात करते हैं बैंगलोर की, तो 4:45 AM का शो जो है वो हाउसफुल हो चुका है, एंड गाइस बहुत जल्दी मॉर्निंग 1 AM के शोज भी जो है बेनिफिट शोज ऐड करने की यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है, और टिकट्स जो है सेलिब्रिटीज बुक कर रहे हैं। अभिषेक अग्रवाल, कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर 10,000, रणबीर कपूर 10,000 टिकट, अनन्या बिरला 10,000 टिकटें बुक की है। टी सीरीज ने हनुमान जी के लिए एक सीट जो है हर सिनेमा घर में बुक की है, जिसका अगर टोटल करें तो 12,000 टिकटें, लेकिन 12,000 टिकट जो होती है, मंचू मनोज एक्टर है तेलुगु सिनेमा के, उनके परिवार ने 2,500 टिकट्स, एंड श्रेयस मीडिया पब्लिसिटी जो करती है उन्होंने 101 टिकट्स फॉर एवरी रामालयम इन एवरी विलेज ऑफ खम्मम डिस्ट्रिक्ट्स वो लेने का यहाँ पर जो है वो वादा किया है। सो गाइस बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे देश भर में आदि पुरुष का जो वेव है स्पेशली ग्राउंड लेवल पर बढ़ता जा रहा है, एंड माई हिंदी प्रेडिक्शन गोज अप फॉर आदि पुरुष। अब ये फिल्म कहीं ना कहीं 23+ करोड़ रुपीज डे वन कमाते हुए दिखाई दे रही है। ये तो मेरा ट्यूसडे मॉर्निंग का प्रेडिक्शन है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, लेट्स सी गाइस, अगर एडवांस बुकिंग ऐसी चलती रही तो ये हिंदी में डेफिनेटली 30 करोड़ रुपीज के प्लस की नेट ओपनिंग लेने की पूर्ण तरीके से कोशिश करेगा। वर्ल्ड वाइड इट इज लुकिंग टू ओपन एट 100+ करोड़। अब 100+ कितना ऊपर जाता है, स्काई इज द लिमिट। ओके, बुक माई शो इट हैज ऑलरेडी क्रॉस पठान। पठान रिलीज से पहले ऑलमोस्ट 7,21,000 था, एंड आदि पुरुष इज नाउ 7,23,000 ऑन बुक माई शो, और ये पूरा का पूरा 1 लाख की जो रेटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में बढ़ी है। तो गाइस आदि पुरुष इज ऑल सेट, अब रात को मिलेंगे इसके ट्यूजडे के एडवांस बुकिंग के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आज रात तक एडवांस बुकिंग एटलीस्ट 5 या 5.5 करोड़ चली गई। And hello darlings, it's showtime. It's my Amran Sai signing off. You're gonna see me very soon. Till then, as always, say, stay cool, man.